साधन से प्रवचन कक्षाएं और ग्रंथालय। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत करी है जिसका शीर्षक है तीन महानी दादा। हिमालयों के पर्वतों शिखरों पर एक बड़े ही महान गुरु रहते हैं। तो उनके एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आप तो इतने गुरु महान गुरु हैं, तो आपके गुरु कितने महान गुरु हैं, क्या आप अपने गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो गुरु जी बोलते हैं, हाँ जरूर, मेरे तीन महान गुरु। पहला एक चोर था जो रात को किसी घर की दीवारों को तोड़ रहा था। तो मैं उसके पास गया और बोला कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे कभी आश्रय दे सकते हो? तो उसने बोला कि जरूर, मैं तुम्हें आश्रय तो दे सकता हूँ, पर ये जान लो कि मैं एक चोर हूँ। तो गुरु जी कहते हैं, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह गुरु जी उसके साथ रहने लग गए तो फिर एक बार वह कभी असफल रहता तो कभी सफल रहता, पर जब वह असफल रहता तो वह कभी निराश नहीं होता। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी, चाहे सफल हो या असफल, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मेरा दूसरा गुरु एक भक्ता था। तो एक बार वह बहुत प्यासा था, वह नदी के पास जाता और खुद की भी परछाई देख के डर जाता। जब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई तो वह हिम्मत करके उस पानी में कूद गया और वह डूबने लगा। तो उसने अपने पैरों को हिलाया और नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। तो उस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने डर से कभी डर पर नहीं भागना चाहिए, इसका डर के सामना करना चाहिए। और मेरा तीसरा गुरु एक 10 साल का छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा जल्दी ही भोजन के लिए कहीं से आ रहा होता है। तो मैंने मजाक में उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें पता है कि ये जलती हुई मोमबत्ती कहाँ से जली है, इसकी रोशनी कहाँ से आ रही है? तो वह बच्चा हंस के उसे मोमबत्ती को बुझा देता है और वह बोलता है कि मैंने तो उसको बुझा दिया अपने मुँह से, और जहाँ से आई थी वहाँ से ही रोशनी आई होगी। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इससे कि हमें अपने ज्ञान पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अच्छे शिष्य की तरह हमेशा अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। धन्यवाद।